यही तो कृष्ण है। तो सज्जनों, ब्रजवासी इन उम्मीद में जी रहा है, भगवान आई कहो है तू, पर भगवान तो निकल गया। और फिर नंद बाबा ग्वाल बाल है तो बैलगाड़ियों माते पहले ही पहुंच गया मथुरा। भगवान अक्रूर जी साथ रथ में आया है, बीच में भगवान आपने निज स्वरूप का दर्शन भी कराया अक्रूर जी ने। मथुरा में भगवान आई गया है, कंस आलंग की व्यवस्था करी कि किकर भी आने पतो नहीं पड़े कि माने मारने वास्ते बुलाया है। बहुत उनको अच्छी अच्छी सेवाएं दी राज्य की ओर से। लेकिन सज्जनों, जो होना है वो तो होना ही है। भगवान मथुरा शहर घूमने वास्ते गया है और उन मथुरा शहर में घूमता 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 भगवान बिचे धोबी आयो, कंसरो बिरो उद्धार कर दियो, एक चाटो लगान माथो धड़ो अलग कर दियो, उड़ा दियो माथो। पूरे मथुरा में चर्चा हो रही है, रे छोरा आया वृंदावन रा, लेकिन कमाल है, शस्त्र ही नहीं लेवे, एर वे तो माथा उड़ावे, यूं ही हाथों झटका दे दे, कमाल है कमाल है। धोबी माथे कृपा करी, भगवान आगे बढ़िया। और सज्जनों, कंसरी मथुरा नगरी रो दर्जी हो, बीहू भगवान कपड़ा सिलायार, बीर माथे कृपा करी। सुमाली था, कंस को माला पहनाने जा रहा था, आज भगवान को देख के भगवान को माला पहना दी। आगे भगवान बढ़े तो कंस की एक दासी थी, कंस को उसके हाथ का चंदन बहुत पसंद था, वो कंस को चंदन लगाने जा रही थी, परंतु आज भगवान के रूप में मोहित हो गई। भगवान ने देखिया, फूट रहा गणा चंदन भगवान ने लगाई दियो। तो भगवान भी उन्हें पूछियो पाछो, सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, वैसे तो मेरा नाम सैरंदरी है, लेकिन मैं तीन जगह से टैडी हूं, इसलिए लोग मेरे को त्रिवक्रा अथवा कुबजा कहते हैं। भगवान क्यों, कोई बात कोनी, तू टैडी है तो मैं भी सीधो कोनी, तने लोग कुबजा कहवे तो मने लोग बांके बिहारी कहवे, क्योंकि मैं बांकू हूं, सीधे बिहारी नहीं हूं, मैं तो बांके बिहारी हूं। तो भगवान भी टैडा वही टैडी। और उन समय भगवान कृपा करी, उन्हें पग माथे आपरो चरण रखियो, ऊपर की ओर उसको खींचा, तीन जगह से उसका टेढ़ापन था वो दूर हो गया और सीधी और सुंदर भगवान ने उसको बना दिया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि खाली एक नारी को सीधी करने की कथा नहीं है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है, अंदर तो ग्रस्य और है। कुब्जा किसे कहते हैं? कुब्जा मीन्स बुद्धि, और बुद्धि कंस को चंदन लगाने जाती थी। ये कंस क्या है? कंस है अहंकार। और सज्जनों, जब बुद्धि रूपी कुब्जा अहंकार रूपी कंस का संग करती है तो वो हमेशा तीन जगह से टेढ़ी हो जाती है, काम क्रोध और लोभ। पर वही कुब्जा रूपी बुद्धि कृष्ण रूपी ब्रह्म का संग करती है तो सीधी और सुंदर हो जाया करती है। वो बुद्धि कुबुद्धि नहीं, सदबुद्धि हो जाया करती है, चुकी हो जावे, गुणोरी खान हो जावे। आज कृष्ण रो संग होयो, कुबजा रो जीवन धन्य हो गयो। मथुरारी नारियां भगवान रो स्वागत करियो है, सेठ सौकार लोग व्यापारी वर्ग जो को हो वो भी भगवान रो सम्मान करियो है। इत एक में दो दूत कंस रे कने गया, महाराज कंस गजब हो गयो, गजब हो गयो, बोले कई हो, दो बालक वृंदावन सु आया, बे आपरे धोबी ने मार दियो, आपरे दर्जियों कपड़ा सिलवा लिया, आपरे सू मारियो माला पहन ली, और आपरी दासी कुबजा, बोले कई हो दासी ने, बोले वो तीन जगह से टैडी थी, अब वो टैडी नहीं रही, वो सीधी और सुंदर हो गई। कंस बोला, वो जादू वादू भी जानता है क्या? बोले मालूम नहीं, हमने जैसा देखा वैसा ही आपको बताया, हमने आंखों से देखा कि वह सीधी होगी, फूट रही होगी। अच्छा, कंस ने कहा ठीक। इतने में एक दूत तोड़ता हुआ आया, महाराज कंस गजब हो गया, बोले क्या हो गया? बोले वो जो दो बालक आए हैं ना वृंदावन से, उनमें एक कृष्ण नाम के बालक ने जो धनुष रखा था ना यज्ञ के अंदर शंकर जी का, उस धनुष को श्री कृष्ण भगवान ने तोड़ दिया। ये बात सुनी कंस ने तो कहा कि अब मैं नहीं बचूंगा, मारी मौत आएगी। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान मने धनुष दियो जद कयो हो, इन धनुष ने जो तोड़ेला वो थने नहीं छोड़ेगा, आज मारी मौत आएगी। इन धनुष ने कोई तोड़ ही को नहीं सके सामान्य,
पण हमें मारी मौत, फिर भी हिम्मत नहीं हारी कंस। मल युद्धरी घोषणा करी, रंगभूमि सजाई गई, 50 सीढ़ियों पर कंस रो सिंहासन लगायो गयो, भगवान भी सभा रे अंदर पधार रहा है, दर्शक दीर्घा बढ़ाई गई, माताओं की व्यवस्था अलग, पुरुषों की व्यवस्था अलग, योद्धा लोग बैठा है और सज्जनों भगवान परमात्मा आया है। बीचे कौल्य पीड़ हाथी आयो, भगवान महावत ने कहो कि हटाओ इन्हें, पर मानियो कोनी हुणियो कोनी, तो भगवान कौल्य पीड़ हाथी से युद्ध करवा लग गया। युद्ध करता करता उठायो भगवान हाथी ने, 7 बार घुमायो आसमान में, पटक्यो नीचे हाथी, हाथी दांत निकल गए और हाथी के प्राण पंखे उड़ गए। एक दांत भगवान आपके कंधा पर रखियो, दूसरो दांत बलराम जी आपके कंधा पर रखियो, रंगभूमि में प्रवेश करियो है। कंस देखियो कि हाथी दांत मतलब मर गया दिखता है कौल्या पेड़ हाथी, पर भगवान सबने अलग अलग रूप में दिखाई दिया, जिनी जेड़ी भावना बेड़ा भगवान दिखाई दिया है, सबने अलग 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 भगवान दिखाई दिया रूप में। कंस ने काल रे रूप में, मल्लों ने मौत रे रूप में, माताओं ने पुत्र रे रूप में, संतों ने भगवान रे रूप में, योगियों ने ब्रह्म रे रूप में, युवाओं ने मित्र रे रूप में भगवान नजर आया है। कंस मल्लों ने कहो आओ और इनके साथ में युद्ध करो, मुष्टिक चाणुर नाम रदो, मल आया भगवान से कहो युद्ध करो, पर भगवान तैयार नहीं। अंत में मल्लों ने कहा अरे माँ का दूध पिया है तो आ जाओ युद्ध करने के लिए। भगवान को लगा कि अब तो माँ के दूध की बात आ गई है, बलराम जी को इशारा किया दाओ भैया हमें हमारे माँ के दूध की ताकत बतानी है। अरे भगवान परमात्मा तैयार, शौर्य जाग्यो भगवान लो, मुष्टिक चाणुर साथ युद्ध शुरू। चाणूर कृष्ण भगवान सो, मुष्टिक बलराम जी सो, कंस संगीतकार रखिया ताकि संगीत बचतो रहे, तो हमारे मल लोगारो शौर्य बल बढ़तो रहेला। तो सज्जनों संगीत री स्वर लेरियो रे साथे युद्ध शुरू हो गयो और भगवान मुष्टिक चाणूर बलराम जी सब युद्ध कर रहे हैं और युद्ध चालतो रहो। बाद में भगवान उठायो मुष्टिक ने, चाणूर ने, धोबी कपड़े धोते वक्त कपड़ों को पछाड़ता है ना पृथ्वी पर, वैसे भगवान ने दोनों को पछाड़ा धरती पर, दोनों गए मर, तो हुआ जय जयकार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। शल कौशल नाम रद्दो मल और आया, पंड्या ने भी भगवान धराशाही कर दिया। कंस बहुत चिल्लावे है मारो पकड़ो दौड़ो, नहीं मार सको तो जेल में डाल दो, पण बे मल लोग दौड़िया पण अपने अपने घर री ओर। कंस कृष्ण बलराम की ओर नहीं घर की ओर, राम जी चार तो गया, जान बची तो लाखों पाया, हमें आने हमी जान मरनो छोड़े, जीव तारे मां तो कोई दूजा राजा नौकरी कर ले, भग गए। इधर कंस बहुत चिल्लाता है लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं, इधर कंस की को बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही। तो भगवान बलराम जी ने क्यों दाऊ भैया मुझे मामा जी बुला रहे हैं, जाऊं क्या? बोले जाओ। एक छलांग भगवान ने लगाई, पहुंच गए भगवान 50 सीढ़ियों पर, कंस का सिंहासन लगा है, वहां भगवान पहुंच गए हैं और कंस के सिर का मुकुट नीचे पटक दिया, कस करके उसके बाल पकड़ लिए। कंस ने कहा ये क्या तरीका है, आपने मेरे बाल क्यों पकड़े? भगवान बोले दर्द होता है, दुख है नारे के, तो कसर बाल पकड़िया तो दर्द तो वही। भगवान के बहुत खुशी की बात है, आज आपने बतो तो चलियो कि केश पकड़ने से दर्द हुए, इस बात का पहले पता चल जाता तो आप वो गलती कभी नहीं करते जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। याद करिए मामा जी, जिस वक्त आप अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके ले जा रहे थे, आकाशवाणी हुई थी बीच रास्ते में, ससुराल जब पहुंचा रहे थे कि देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, तब आपने क्या किया था? देवकी के केश पकड़े थे, उसको रथ से नीचे पटका था। पता होता ना कि केश पकड़ने से दर्द होता है, तो आप अपनी बहन और मेरी माँ के केश कभी नहीं खींचते, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी वही देवकी का 8वां बालक मैं कृष्ण तुम्हारा काल आज तुम्हारी आंखों के सामने। ये बात सुनी तो कंस आवेश में आ गया, मैं तुमको चिंता नहीं छोड़ूंगा, अबे अब बाबा अब अभी मार के रहूंगा, कने तलवार उठावे कने घोटो उठावे मैं मार के रहूंगा। भगवान ने कहा मैं हो गया, अब मैं तो कहूं बोली जी बोली ताना होट चिपक रही है, मामा जी अब मैं बहुत हो गया, अब आपसे कुछ नहीं होना जाना है, आप आंखें खोल करके बस मेरे को देखिए। कंस कृष्ण को देखता है पर कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण के दर्शन कंस को हो जाते हैं।
भगवान ने कहा इतनी सुखद मृत्यु और किसी की नहीं हो सकती जितनी तुम्हारी हो रही है। मेरे दर्शन के लिए लोग जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करते हैं, पर उनको कहां दर्शन होता है मेरा। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारी मृत्यु सुखद है कि मैं तुम्हारी सामने आंखों के सामने। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, राम दुनिया बतलाही। जन्म जन्म यत्न कराही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। अंत राम कल्याणत नाही, अंत राम अंतिम समय में मैं आपके सामने हूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कंस को कृष्ण में नारायण के दर्शन हो जाते हैं और सज्जनों भगवान देख रहे हैं कि मैं कंसरी घड़ी आ रही है। और जो ही सज्जनों कंसरी घड़ी आई, भगवान ने कंस के कसकर के केश पकड़े, वहीं सिंहासन पर उसको घुमाया और घुमा करके 50 सीढ़ियों पर सिंहासन से घिराया। नीचे एक छलांग लगाई भगवान ने कंस के छाती पर, मस्तिष्क का प्रहार किया। कंस मर गयो, परंतु लोग जयकारो नहीं लगायो। क्यों? लोग विचार करियो इतो पापी है कि यूं पड़न मरणियो नहीं है। ओ बेउस हो वे एरापा राजी हो जावा, मामा जी मर गया एरो 10 मिनट पाछो बैठो जावे तो देखा जी मरियो को कोनी मरियो। लोग धीरे धीरे आया, शरीर में हाथ लगायो, शरीर ठंडो पड़ गयो, श्वास भी नहीं आ रहे, पक्का हो गया मामा जी गए, दिल की धड़कने भी बंद हो गई। अब तो पक्का हो गया मामा जी नहीं रहे, गए तो लोग इतने खुश हो गए कि हंसे ही नहीं, ठहाका मार करके हंस गए। इतने लोग प्रसन्न हो गए, बहुत आनंद हो गया और अब सबने जयकारा लगाया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। और बड़े भाव प्यार के साथ लोगों ने गाया। Thank you.
किया, फिर यमुना जी के घाट पर विश्राम किया। उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। भगवान आगे गया, मथुरा री जेल से नाना उग्रसेन जी ने मुक्त किया। कंस रा पिताजी यानी भगवान मथुरा रा राजा बनाया। उनको मथुरा का राज देके भगवान ने यह बताया कि मैंने राज के लोभ में आकर के मामा को नहीं मारा, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ प्रलोभन नहीं गद्दी का सत्ता का, पर मामा जी राज करने योग्य नहीं थे और मैं आया इसीलिए हूं इस धरती पर कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को कोई बढ़ावा देता है तो मैं ऐसे लोगों को कभी मंजूर स्वीकार नहीं करता, मुझे वो पसंद नहीं है। इसीलिए कंस ने जब अधर्म को बढ़ावा दिया तो मैंने कंस को मार दिया और नाना जी राज करने योग्य हैं। एक शासक के क्या गुण होने चाहिए, वो सारे गुण इनमें विद्यमान हैं, इसलिए ये राज करने योग्य हैं, राजा बनने योग्य हैं। भगवान ने राजा बनाया, देवकी वसुदेव ने मुक्त किया जेल से। फिर भगवान परमात्मा नंद बाबा आदेशों में लिया, कहा कन्हैया चले वृंदावन। भगवान कहो नहीं बाबा, आप लोग जाओ, मैं नहीं चलूंगा, मुझे यहाँ और भी काम है। सज्जनों, नंद बाबा ने कहा सब कहेंगे ब्रजवासियों ने मथुरा जाकर के विजय प्राप्त की, लेकिन हम कहते हैं हमारी तो पराजय हो गई, कृष्ण से बढ़कर हमारा कोई नहीं, वो हमारे साथ नहीं तो कैसी विजय। भगवान ने कहा नहीं बाबा, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं आपसे अलग हो रहा हूं, नहीं नहीं, मैं आप ही के साथ हूं, सदा आप मेरे साथ हैं। मैं शरीर से आपके साथ नहीं चल रहा ब्रज में तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि मेरा आपका रिलेशन खत्म हो रहा है। नहीं 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 बाबा, मेरी माँ से भी कहना, क्योंकि लोग कहेंगे आपको, मेरी माँ को भी लोग सुनाएंगे, पर मैं यहाँ से कहता हूँ आप मेरी माँ को कहना कि तुम्हारे घर के आंगन में अब मुझे खेलता बोलता डोलता चलता फिरता हंसता न देखे, और कोई ये कह दे कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए वो तुम्हें छोड़ करके चला गया, तो बाबा आप उसकी बात मत मानना, मैं आपका ही बेटा हूँ, क्योंकि जो जन्म देते हैं वही माता पिता नहीं होते, हकीकत में तो जो जीवन देते हैं वो माता पिता हुआ करते हैं, आप हमारे जीवन दाता हो, पाल पोषण माने मोटा करिया बाबा, मैं क्या भूल सका आप। नंद बाबा ग्वाल बाल सजल ने ना लोटिया है वृंदावन, पतो चालियो ब्रज ने कि अब कन्हैयो नहीं आवेला, बस ब्रज विरेड़ी सागर में डूबियोड़ो रहो। अठे भगवान मथुरा में मुंडन संस्कार करायो, जनऊ धारण करी सोनेरी चरण पादुका पहनी, सोनेरो मुकुट भगवान पहनियो है। गुरुदेव रे बठे गया है अविंत का पुरी, जिन्हें आजकल अपन लोग उज्जैन रे नाम से जाना, जो मध्य प्रदेश में है, मां कालेश्वर भगवान जठे बिराजे है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, वो महाकालेश्वर वहां ज्योतिर्लिंग विराजते हैं। भरतरी धरती सांदीप ने ऋषि रो गुरुकुल बठे, और सज्जनों सांदीप ने ऋषि ने भगवान गुरु बनाया, दुनिया ने बहुत मोटो संदेश दियो, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं भगवान ने, क्योंकि कृष्णम बंदे जगत गुरुम, परंतु दुनिया ने और सीख देव ने वास्ते के मैं मनुष्य बनियो तो मैं भी गुरु बनाया, उन्हीं प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने भव पार होनो है तो उन्हें गुरु तो बनानो ही पड़ेला, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इन वास्ते भगवान आ शिक्षा दियो संदेश दियो गुरु बना, बात भी बिल्कुल सही है कि सज्जनों गुरु की आवश्यकता तो है ही, इस दुनिया में एक धनवान और एक अमीर ये दो शब्द चलते हैं लेकिन दोनों में फर्क है, अर्थ एक नहीं है। जिनके पास धन होता है धनवान होते हैं पर उन्हें हम अमीर कहेंगे ये जरूरी नहीं है, पता नहीं वो अमीर है या नहीं, धनवान तो है, क्योंकि अमीर होना अलग बात है धनवान होना अलग बात है। कई लोगों को देखा है धनवान तो होते हैं पर अमीर नहीं होते, क्योंकि गुरु नहीं होता, धन बहुत है पर गुरु नहीं, तो सज्जनों वो धनवान है अमीर नहीं। और कोई झोपड़ी में रहता है धन तो नहीं परंतु गुरु का आशीर्वाद उसके सर पर पूरा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। बड़े बड़े लोगों को भटकते देखा है, पैसे वालों को भी, क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं है, मार्गदर्शन नहीं मिला तो भटक गया, जीवन बर्बाद हो गया, थोड़े दिन अच्छा चलता है उसके बाद में बाहर भटक जाते हैं ना, भटकते देखा लोगों को। बिन सतगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की तो बात है क्या, सुल्तान भी भटकते देखे हैं। रहमो कर्मो की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, बिना गुरु के तो दुनिया में धनवान भी भटकते देखे हैं, बिना गुरु के तो दुनिया में धनवान भी भटकते देखे हैं। तो गुरु कौन, सच्चा गुरु कौन,
हम किसे कहें गुरु। एक ही बात, सच्चे गुरु की तो सिर्फ इतनी, जो अपने आप को पूजाए वो गुरु नहीं, जो आपको अपने आप तक सीमित रखे वो गुरु नहीं, जो आपको ये कहे प्यारे मैंने गुरु कृपा से उसे पाया, उस रास्ते पर चला हूं, उस परब्रह्म परमात्मा को मैंने अनुभव किया, तुम शिष्य बने हो तो तुम्हें भी वही मार्ग बताऊंगा, तुम भी उस तक पहुंचो, मुझ तक ही नहीं आगे पहुंचो, यात्रा तो बड़ी लंबी है, मंजिल तो वो है, मैं तो रास्ता बताने वाला हूं। अपने आप को पूजाए वो नहीं, भगवान तक जो मिला है, परमात्मा से जो जोड़े वो गुरु। गुरु और गुरु घंटाल में फर्क है, दुनिया में कलयुग भाई कलयुग में गुरु घंटाल गणा है, गुरु तो गिणिया चुनिया है। जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सदगुरु महापुरुष गुलाबदास जी महाराज जैसे, जिन्होंने ईश्वर में अपनी लो लगाई, कनेक्शन उनका परमात्मा से जुड़ा, और उन्होंने अनुभव भी किया, परमात्मा का अनुभव भी किया, ऐसे महापुरुष जीवन में सज्जनों मिलने मुश्किल होते हैं, और ऐसे जब मिलते हैं तो वो भगवान तक पहुंचाते हैं। भारत की धरती धन्य है जहां सदगुरु हुए, जहां गुरु हुए, जहां के लोगों को दिशा मिली, आज भी मिल रही है, ऐसे बहुत महापुरुष हमें मिलते हैं, ढूंढने से कभी कभी ये सब देखना पड़ता है, लेकिन मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तो कभी प्रदर्शित नहीं करते ना, लेकिन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, भगवान से मिलाता है वो गुरु। जो एक बात है, मीराबाई ने एक जगह लिखा है कि मैं मेरे गुरु से मिलती हूं, क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो उस घर की बात कर सकता है, उस घर का समाचार दे सकता है। जिन प्रकार बेटी रो ब्याह हुए, सासरे चली जाए, सासरे चली जाए तो चली जाए, लेकिन पीर ने भूल थोड़ी सके, वो घर वो आंगन वे गांवरी गलियां वे गलियारी सहेलियां याद तो रहे, पीर सो निकले तो भी मुड़मुड़ देखे पीर याद करे, सासरे में हुए आ नहीं सके पीर में जा नहीं सके तो भी कोई आवे पीरू तो याद करे, कोई तो आयो मारो बीरू आयो है तो उन्हें समाचार तो पूछी पीर रहा, कोई भी आयो वे बोले पीरू तो उन्हें पूछी भाई मारे पीरे में केड़ो है, नहीं आ सके तो भी भाई याद तो करे। उन्हीं प्रकार याद रखो, वैकुंठ लोग भगवान का धाम तो अपना घर है, वो पीहर है और ये संसार ससुराल है, कर्म संयोग वश आना पड़ा ससुराल में कोई बात नहीं, लेकिन मायका तो मायका ही रहेगा, घर तो घर ही रहेगा, आई गया संसार में तो कई भी उन्हें भूल थोड़ा ही सका, और उस पीहर से ही गुरु आता है, तब वो शिष्य कहता है गुरु से कि कुछ तो बात बताओ, आप आए हो मेरे पीहर से तो जरा समाचार तो लेके आओ, जरा बताओ तो सही मेरे मायके में कैसा चल रहा है, बेटी की तरह, और गुरु ही बता सके और तो कौन बता सके।